प्रियंका गांधी ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका जो छत्तीसगढ़िया सम्मान स्वाभिमान है उसका देश भर में नाम बना है। भूपेश बघेल ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की। मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज्यादा आक्रमण उन पर हुआ है। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई ये पहली बार पूरे देश में फैली। साथ ही उन्होंने श्रमिकों को लेकर कहा कि आज श्रमिकों का ठेकेदारी सिस्टम में शोषण हो रहा है। आपको ठेके में नौकरी मिलती है लेकिन आपको ढंग से पैसे नहीं मिलते। मेहनत करने के बावजूद आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। खदानों के लिए जमीनें ले ली गई लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, पुनर्वास नहीं मिला, जबकि कांग्रेस की हर सरकार ने हमेशा आपके लिए काम किया है। आपका जो छत्तीसगढ़िया सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई ये पहली बार पूरे देश भर में फैली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी लोग मुझे कहते थे कि वहां पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं इस पे कोई रोक नहीं है, मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं आप, घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। आपका हक बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया गया है, इस जमीन पे, इन खदानों पे, इस जंगल पे, नदियों पे आपका हक है। वो हक आपको संविधान ने दिया, उस हक को मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया और उसके बाद कांग्रेस की हर सरकार ने किया। जो आपकी जरूरतें हैं उनके लिए काम किया। आपका जो छत्तीसगढ़